Hey, so hello, welcome back to my channel. आप और मैं आपका भाई निकल और आप देख रहे हो माय YouTube चैनल एन ए मॉडिफाइड. सो गाइज फिर से आ गया हूँ मैं कन्नू भाई की शॉप पे एक नई हेडलाइट के साथ जो भाई लेटेस्ट में अभी आई है. कन्नू भाई की शॉप पे मैंने अभी देखा, चेकआउट करा भाई, मतलब लाइट एकदम एक नंबर है. और भाई आज हम उसको फिट करने वाले स्प्लेंडर में, और प्लस उसके साथ में थोड़े से कनेक्शन में आपको दिखाऊंगा उसमें कि भाई प्यार से उसके कनेक्शन आपको समझाने जा रहे हैं. क्योंकि उसमें भाई कुछ लोग कमेंट आते तो बता नहीं पाते कि भाई, मतलब पता ही नहीं चल पाता कि भाई कनेक्शन की कौन सी तार आ रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं. पर ये नहीं पता, आज मैं कन्नू भाई से सिर्फ फिट करवाऊंगा, बाकी कनेक्शन की कुछ तारें मुझे भी पता है, तो वो कनेक्शन की तारें मैं आपको बताऊँगा बिल्कुल प्यार से. इस वीडियो में आपको बिल्कुल बढ़िया कनेक्शन मिलने वाले, प्लस आपको जो हेडलाइट दिखाने वाला हूँ वो भाई क्वालिटी एक नंबर है. लाइट का फोकस वगैरह सब कुछ बढ़िया है, नाइस शॉट भी दूंगा, और प्लस में उसके सिनेमैटिक एक नंबर आएंगे. और भाई वीडियो में बने रहना, चैनल पे जो भी नए हैं वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए. तो गाइज अपने भाई की इंस्टाग्राम की आईडी को भी फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम की आईडी आपको शो हो रही है स्क्रीन पे, लिंक भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो गाइज ये रहने वाली अपनी हेडलाइट स्प्लेंडर की BS6 मॉडल में, आज हम इसे फिट करने वाले हैं. और इसके क्वालिटी और बिल्डिंग फिनिशिंग वगैरह देख सकते हैं, मतलब पूरी लाइट एकदम चेंज कर दी है इस कंपनी ने. बाकी कंपनी HJD नहीं है, लेकिन कंपनी अच्छी है जो भी है, HJD का जैसा ही बिल्कुल डब्बा है. और बाकी इसकी फिनिशिंग एक नंबर दी हुई है. ऊपर की साइड में चार आपको लेंस मिल रहे हैं, मतलब बल्ब में, प्लस इसमें DRL मिल रहा है आपको नीचे दो, और प्लस में बीच में जो आ चुका है वो है भूत. बिल्कुल भाई कंकाल है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है एकदम. लाइट जो आ रही है भाई कसम से एक नंबर आ रही है, जहर है. और इसमें मैं आपको यही दिखाऊंगा, इसके कनेक्शन वगैरह पूरे बताने जा रहा हूँ. और प्लस मैं आपको इसके अंदर जो लाइटें मिलने वाली है वो आपके मिलने वाली ऊपर वाले जो बल्ब है इसके चारों के चारों, वो है आपके वाइट. प्लस में ये जो DRL है आपके ये भी रहने वाला वाइट. प्लस जो बीच का, कन्नू भाई एक बार ये बताओगे, मतलब ये ऊपर वाला वाइट ही है ना? ये पूरा वाइट है. हाँ. ये मल्टी कलर है. ठीक है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था भाईयों. इससे जैसे कि इसके अंदर जो आपके DRL मिल रहे हो वाइट है, और प्लस जो बल्ब है चारों चारों वो भी आपके वाइट है. तो मतलब सोच लो कि भाई रोशनी कितनी जानदार होगी. प्लस में वो बॉस रखी हुई है, बॉस की लाइट थोड़ी आपने देखा होगा, सिर्फ DRL मिल रहा है, बीच का लेंस मिल रहा है. तो समझ लो बीच का जो लेंस था वही काम इन चार बल्बों ने कर दिया है, और वही रोशनी थोड़ी सी, मतलब हो सकता है 19-20 बढ़ गई हो, लेकिन भाई लाइट एक नंबर आई है, काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट में है. प्लस बात की जाए भाई जैसे कि बीच के कंकाल जो है इसके अंदर भी आपको लाइट मिलने वाली है, और लाइट जो मिलने वाली है भाई इसके अंदर मिलने वाली है आपको कलरफुल. प्लस इसमें तीन मोड है, जैसे कि कलरफुल भी जल सकती है, प्लस आपका इसमें हो गया स्टे मोड, प्लस हो गया इसमें ब्लिंकर. तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इसके रहने वाला. बाकी नाइट शॉट वगैरह मैं आपको पूरे दूंगा इसके अंदर, थोड़े इसके खोला खाली करते हैं, कन्नू भाई अभी थोड़ा बात करेंगे इससे. बाकी यही है कि मैं आपको कनेक्शन तो देने वाला हूँ, बिल्कुल बढ़िया तरीके से देने वाला हूँ. सबसे पहले तो मैं आपको कनेक्शन की बात की जाए, आप कुछ भी अपनी गाड़ी में लगवाते हो प्यार से बताऊँगा, एक स्विच लेके आना है आपको. प्लस आप कन्नू भाई की शॉप में आकर, ग्राफिक्स पॉइंट है कन्नू भाई की शॉप से, अगर आप मंगवाते हो प्लस ऑर्डर करवाते हो, और तो मैं यही कहूँगा कि भाई इस ऑफर में आपको अगर आप ये लाइट लेते हो तो प्लस में मैं यही कहूँगा कि आपको एक स्विच फ्री दे रहा हूँ मैं. ठीक है, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि भाई मैं अपनी तरफ से इसको एक स्विच फ्री दे रहा हूँ. प्लस में ये है कि एक स्विच आएगा आपका, जिसमें कि आपकी पासिंग के जो मोड होते हैं दोनों अपर डाउन, इसमें रहेगा हाई, जो कि प्लस में आपको ये बंद करना है. ये जो अपना हाई चलेगा तभी जाके आपकी हेडलाइट जल जाएगी. और प्लस आप जब ऑफ करोगे इसको, मतलब कहने को लो करोगे, तो ये समझो ऑफ हो जाएगी. तो इसी के लिए मैं आपको कनेक्शन पूरे समझाने वाला हूँ. प्लस एक स्विच आपका ये लगा होना स्विच होना चाहिए बस ऑन ऑफ के लिए. बाकी वीडियो में बने रहो, स्टे ट्यून्ड. सो गाइज जैसे कि हो चुकी है अपना वाइज़र, सबसे पहले वाइज़र खुल चुका है, प्लस खुल चुका है अपना हेडलाइट. इसके बाद मैं आपको कनेक्शन समझा दूँ अच्छे से. कन्नू भाई तो अपने नीचे जाए कस्टमर से कुछ बात कर रहे हैं, प्लस मैं आपको बता दूँ कि भाई इसके कनेक्शन कैसे रहने वाले हैं. कनेक्शन के लिए अपना भाई जैसे आपको मैंने स्विच बताया, ऑन ऑफ का सबसे पहले स्विच होना चाहिए. स्विच के साथ की जो अपनी तार आ रही है दोनों, इसमें प्लस माइनस समझो या कुछ भी, कहने को ये समझो आपकी मेन ही है, दोनों ही मेन है. आप दोनों को दोनों ही इसमें तार मिलती है आपको स्विच में. ठीक है, ऊपर से आ रही है नीचे, प्लस में आपकी जो ये आपकी आ रही है स्विच की तार, जैसे कि देख सकते हैं ये अपने मेन स्विच की तार होती है ऑन ऑफ की, जो अपनी मेन वाली होती है चाबी वाली, यहाँ से आ रही है चाबी वाली एक तार. ये देखिए साइड में आपको पूरा वो मिल जाएगा, ऊपर से आता है वह लॉक, और लॉक मिल जाएगा आपको इन लॉक में से पूरा एक आता बंडल. ठीक है, इसमें कोई आता है, मतलब BS6 मॉडल में तो अपना ये 4 पॉइंट का आ रहा है ऑप्शन,
प्लस में आपके i3s होती है तो i3s में थोड़ा नीचे हो जाता है, मतलब जो भी कुछ मॉडल होते हैं स्प्लेंडर प्रो हो गई, प्लस हो गई, जिसमें कि उसमें आपको 2 पॉइंट मिल जाते हैं या फिर 4 पॉइंट मिल जाते हैं, तो 3 पॉइंट भी मिल जाते हैं। इसमें है 4 पॉइंट है गाइस, और बाकी ये अपनी IBS BS6 मॉडल, तो इसमें आपको मैं दिखा दूँ, इसमें 4 पॉइंट आपको मिल रहे हैं। 4 पॉइंट में आपकी जो इसकी मेन रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी प्लस में रेड, ये मेन तार है अपनी जिसको हम कनेक्शन देंगे, जैसे कि ये एक तार हो गई अपनी, ये तार जाएगी अपनी इसके अंदर रेड में, ठीक है। और प्लस में आपका जो होगा खेल, जैसे कि देख सकते हैं ये अपना आ रहा है पासिंग के लोगों, पासिंग के जैसे कि ये ऑन ऑफ का स्विच जो होता है इसके बता रहा हूँ तार। प्लस में आपका ये हो गया अपना क्या बोलते हैं हेडलाइट के तार, और इसमें से हमारे को निकालनी है येल्लो वाली तार, जैसे कि देख सकते हैं ये अपने येल्लो वाली तार होती है अपने पिन से, मतलब ये स्विच खोलते हैं, ये दिखाता हूँ आपको, ये अपना स्विच खुल जाता है। प्लस आपको इसमें सिर्फ पिन पेज का सामान है, इधर वाले का फर्स्ट पॉइंट होता है, और आपको ये येल्लो तार आपके निकल के आ जाएगी, ठीक है। और येल्लो तार आपको देनी है क्या बोलते हैं इसके अंदर से थोड़ा सा तार का टुकड़ा बढ़ाना है, जो कि मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। इसमें तार का टुकड़ा करके अपने ये जो आपने रेड वाली जो बताई है अभी मेन तार, कि इसमें अपना प्लस होता है जिसमें कि गाड़ी ऑफ ऑन पे आपको ये कनेक्शन देता है, मतलब AC से DC कनेक्शन करता है। सो गाइस बाकी इससे होगा क्या कि अपना ये जो मेन तार है येल्लो वाली, ये दानी हमें इसमें मतलब रेड में कनेक्शन देना है, इसको AC से DC कनेक्शन करना है, ठीक है। और प्लस में आपकी ये एक तार आपकी पड़ी रहेगी, ये दोनों तार आपकी चली जाएगी DC कनेक्शन में, ठीक है गाइस। और बाकी बात रहेगी अपनी एक तार जो निकालनी होती है हाई लो के लिए, जैसे कि मुझे यहीं से ऑफ़ करनी है, ऑफ़ करने के लिए अपना ये करना पड़ेगा कि इसके जो वाइट तार है वाइट वाले को एक को निकालनी है, ये देखिए मैं दिखाता हूँ, इसको निकालनी है, और ये चीज़ आपको पूरी टेप से ला देनी है, जिससे मतलब कोई करंट वगैरह ना लगे, अर्थिंग वगैरह से शॉर्टिंग ना हो कुछ भी, इसको अपना हटा देनी है बिल्कुल। प्लस इसका ये जो स्विच है इसको भी लगा देना है, प्लस ये स्विच भी अपना ऐसे कैसे लगा देना है। तो मैंने आई होप कि आप लोगों को ये कनेक्शन समझा दिया अच्छे से, और इससे बाद मैं थोड़ा सा और समझा दूँ आपको, जैसे कि अपने ये जो एक तार हमारी बच्चे की स्विच की, एक तार हमारी जाएगी हमारी, जैसे कि ये देखिए ये है हमारी हेडलाइट की तार, ये आ रही है जिसमें कलर की मल्टी कलर, ये जैसे कि इसमें ये DRL वाला चलेगा, ये वाला DRL अपना चलेगा, कनेक्शन रहेगा ये, इसमें एक तार जोड़नी है बस, वो तार आपकी जाएगी इसके अंदर और कनेक्शन हो जाएगा एक नंबर, आपकी लाइट हो जाएगी चालू। हो सके तो आप वीडियो को बार बार बैक करके एक एक बार चेक करते रहे मैंने कनेक्शन क्या बताया और क्या समझाया है, ठीक है गाइस। बाकी मैं आपको पूरी वीडियो में आपको ये दिखाऊंगा कि आप इसे फटाफट से फिट करते हैं, कनेक्शन मैंने आपको समझा दिए, अब इसको एकदम फिटिंग करते हैं और फटाफट से हेडलाइट अपनी वाइजर के अंदर जोड़ते हैं, प्लस अपने कनेक्शन फुल करते हैं, और मैं आपको लाइट दिखाऊंगा, रोशनी दिखाऊंगा, प्लस इसके अंदर आपको दूंगा मैं नाइट शॉट, और भाई जो सिनेमैटिक होंगे एक नंबर होंगे, वीडियो को पूरी देखना। चलिए आइए मैं स्टे ट्यून। Running my mouth dry, speaking lines of how to find higher hopes and sensibilities meant for me. Let's dive in, create a problem just to fix it. The perfect fit, we're back to time, catching up on all the things we miss, all our interests. सो गाइस जैसे कि आपने अभी अभी देखा कि भाई कन्नू भाई ने फिट करी है अपनी भूत वाली लाइट, जो कि हेडलाइट थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग से आई है, और प्लस इसकी जो भाई ओए मैं क्या ही बताऊं भाई, पहले तो सबसे पहले लाइट के मतलब DRL तो पता नहीं लग रहे, लेकिन जो भूत का जो लोगो है ना भाई, कसम से कतई जहर लग रहा, बहुत ही ज़्यादा अलग ही, मतलब दिन में भी एकदम ऐसा लग रहा बिल्कुल भी, मतलब खा जाएगा भाई किसी को, बहुत भाई हटो बचो एकदम, बस क्या ही बताऊं। और बाकी भाई आई लाइट के बाद तो भाई फुल फिनिशिंग देख सकते हैं, 0-0 फिनिशिंग के साथ है, बिल्कुल एक नंबर देख सकते हैं, मतलब कहीं से भी आपको गैप देखने को नहीं मिलेगा, नॉर्मल नीचे का गैप अलग बात होती है, बाकी ऊपर की बात की जाए तो भाई देख सकते हैं ये देखिए, मतलब बिल्कुल फिनिशिंग एक नंबर आ रही है भाई देख सकते हैं ये देखिए। और बाकी भाई लाइट की बात करो तो थोड़ा लाइट आपको जला के दिखाता हूँ इसका फोकस वगैरह, तो बाकी मैं आपको नाइट शॉट दूंगा, देखिए मैंने चाबी ऑन कर दी है, बाकी प्लस आती है वो अपना पासिंग का जो बटन है उसको ऑन करते हैं सबसे पहले, ये देखिए क्या बात है भाई, लाइट तो बहुत ही ज़्यादा है, मैं कि भाई ओ हो कहाँ तक जा रही है भाई देख सकते हैं,
वो देखो सामने टच हो रही है पूरी लाइट, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, बहुत ही इसकी रोशनी रहने वाली, मुझे तो बॉस से भी ज़्यादा इसकी लाइट लग रही है, दिल्ली पुलिस वाली से भी ज़्यादा लाइट लग रही है। बाकी इसका नाइट शॉट भी देख के बताएंगे कि भाई इसकी कैसी रोशनी रहने वाली है। प्लस में मैं आपको इसका थोड़ा DRL चेक करा दूँ जो अपना रहने वाला कलरफुल। ये देखिए स्विच ऑन कर रहा हूँ, ये देखो भाई क्या बात है, ब्लू DRL भाई एक नंबर का, सबसे मज़ा ही अलग आ जाएगा इसका भाई अगर आपने कहीं लगवा ली तो। ये सच में अब इसे मैं चेंज कर रहा हूँ मोड, ये देख सकते हैं मेरा हाथ मोड चेंज कर रहा हूँ, या है रेड वाइट ग्रीन स्लो मोशन में ग्रीन, वाओ क्या बात है। देखो अब ये चलने लगा कलरफुल, ब्लिंक कर रहा है समझ लो एक तरीके से, और चलाओ ये देखो भाई ये और ज़्यादा ब्लिंकर हो गया फास्ट में, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है भाई देख सकते हैं, मतलब नंबर एक नंबर चीज़ है भाई कदम से जो आई है अब लेटेस्ट चीज़ है ये एकदम। और कन्नू भाई की शॉप पे आओ, काम वाम कराओ बढ़िया से, कन्नू भाई की शॉप पे ये अवेलेबल हो चुके, आइए। और बाकी और कुछ मोड दिखाइए, क्या बात है बहुत बढ़िया भाई, मतलब देख के दिल खुश हो गया भाई, बहुत ही ज़्यादा हार्ड। ये स्लो मोशन में ग्रीन उड़ रहा है, देखो ये देखो भाई ब्लू वो चेंज हो गया, क्या बात है, ओए होए ओ बेटे क्या बात है भाई क्या बात है, हटो बच्चों भाई मज़ा आ गया। तो गाइस बाकी मैं इसका नाइट शॉट देता हूँ आपको, नाइट शॉट में आपको सिनेमैटिक भी मिलेगा, प्लस इसका फोकस वगैरह मैं आपको चेकअप कराता हूँ, आइए नाइट शॉट में मिलते हैं। सो गाइस ये रहने वाला है अपना नाइट शॉट जो कि आप लोगों को मैं देने वाला हूँ, हेडलाइट का पूरा व्यू, और जो भी भाई यहाँ पे देख सकते हैं फुल अंधेरे में खड़ा हूँ, दूर से दूर तक बिल्कुल अंधेरा है, मतलब आपको दिख ही रहा है बिल्कुल, मतलब कुछ नहीं है यहाँ पे। और यहाँ भाई आप लोगों को मैं इसका फोकस दिखाने वाला हूँ, DRL प्लस दिखाने जा रहा हूँ, इसको पूरा एंजॉय करना, और प्लस मैं आपको इसके अंदर दूंगा सिनेमैटिक। तो भाई कन्नू भाई दिख रहे हैं, हाँ थोड़े बहुत, चलो दिखाओ भाई फोकस, क्या बात है भाई। सबसे पहले तो हेडलाइट का थोड़ा लुक देख लो, मतलब कि मैं क्या ही बताऊं भाई, ओए होए क्या बात है भाई, हड्डी देखो कितनी झैल लग रही है, मतलब बिल्कुल ही मतलब कतली। अभी इसका DRL जला दिया तो ना जाने क्या होगा। और बाकी इससे पहले मैं फोकस दिखाऊंगा आपका, ओ तेरी की भाई, मतलब कहने को मैं ये बताना चाहता हूँ कि 110 वाट की आपकी हेडलाइट रहने वाली है, जो बॉस की लाइट थी वो अपनी थी 90 वाट की, मतलब कहने को इससे ज़्यादा फोकस, मतलब बॉस से ज़्यादा फोकस इसका लाइट का है। और इसके बाद भाई कन्नू भाई जल्दी से DRL एक बार जला के दिखा दो हमारे भाइयों को, ये देखो भाई, ओ भाई साहब क्या बात है भाई, बड़ा कतले लग रहा है यार, मतलब देख के ही मतलब दिल खुश हो गया, इतनी डेंजर लग रही है लाइट, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसका जो DRL है ना भाई कसम से देख के बड़ा डेंजर लग रहा है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसका रेड भी देख सकते हैं, ये ब्लू है, इसका तीन कलर आपको इसके अंदर मिल रहे हैं, प्लस एक आपको शायद से वाइट भी था इसमें, लेकिन वो शायद से मल्टी, हाँ ये रहा वाइट, वाइट है या पिंक है इसमें मेरे ख्याल से भाई, हमें तो वाइट नज़र आ रहा है लेकिन ये पता नहीं पिंक इसके अंदर क्यों दिखा रहा है स्क्रीन के अंदर। और बाकी भाई ग्रीन है इसके अंदर, और बाकी मल्टी कलर वगैरह थे ना इसके, ओहो स्लो मोशन, ओहो क्या बात है। प्लस भाई देख सकते हैं इसके अंदर रेड कलर और ब्लू वाइट ग्रीन तीनों चारों कलर एकदम मतलब इसमें स्लो मोशन में बदल रहे हैं। ये हो गया भाई अपना ब्लिंकर, क्या बात है, मतलब एकदम एक नंबर लाइट आई है भाई, जो भी आई है मतलब बहुत शानदार लाइट भाई साहब, देख के दिल खुश हो गया, मतलब जो भी भाई ये कंकाल है ना काफ़ी एक नंबर लग रहा है, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, दिल खुश हो गया मेरा तो, बाकी आप लोगों का भी खुश हो गया। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बाकी एक फोकस जरूर जला दो, पूरा जला के एक बार फोकस दिखा दो एक बार जल्दी से गाइस, मतलब यही है कि इसका फोकस जो है बहुत जानदार है, एक बार कन्नू भाई और जला के दिखाओ दोबारा से, मेरा दिल नहीं भरा तो कहने को भाई देखो इसका फोकस दोबारा से, फोकस मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा, एक बार बंद करना भाई, क्या बात है, मतलब बिल्कुल भाई बिल्कुल अंधेरा है जरा सा भी, मैं क्या बताऊँ, कोई मेरा हाथ भी देख सकते हो हल्का फुल्का, ये नहीं कि बिल्कुल मैं ब्लैक स्क्रीन करके दिखा रहा हूँ, दूर से देखे बिल्कुल भी एक भी जरा सी लाइट नहीं है। बाकी इसका फोकस देखे आप, ये देखो भाई पूरी गाड़ी में भाई मतलब फोकस एक नंबर है भाई, बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा भाई कसम से, क्लियर एक एक पत्थर आपको दिख जाएगा इसके अंदर, 110 वाट की लाइट है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, कुत्ता भी दिख रहा है भाई देखो, दो छोटे छोटे, ये रे दो ही है ना वहाँ भाई घुसे बड़े हैं भाई दिख भी नहीं रहे हैं, चलो कोई नहीं। और बाकी एक बार DRL भी जला देना भाई इसके साथ में कैसा लग रहा है, ये देखो भाई DRL कुछ ऐसा लग रहा है, सारे जला के दिखा दो एक साथ में, क्या बात है, ओए होए डेंजरस। और बाकी भाई इसके लाइट को आपको फोकस तो देख लिया है, अब मैं आप इसको देता हूँ हल्का सा एक छोटा सा सिनेमैटिक, ठीक है बस नीचे। अब गाइस इसका मैं दूंगा आपको छोटा सा एक सिनेमैटिक, इसको फुल एंजॉय करना, फिर अपनी वीडियो को एंड करेंगे जरा सा, चलिए आइए सिनेमैटिक को एंजॉय करते हैं।
सो गाइस आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। आई होप कि आप लोगों ने इस सिनेमैटिक को बहुत अच्छे से इन्जॉय करा होगा। सिनेमैटिक इन्जॉय कर दो, एक लाइक उसके लिए भी कर देना भाई। होता तो नहीं है एक बार कर दोगे तो, पर बार बार कर दो यार, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोज़ आप ही की मॉडिफिकेशन से रिलेटिव आ रही है। एक से एक वीडियो इस चैनल पर मिलेगी, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना। और कन्नू भाई की शॉप है महाकाल का ग्राफिक्स पॉइंट, महाकाल का ग्राफिक्स पॉइंट है भाई की शॉप का एड्रेस और नंबर वगैरह, मैप की लोकेशन आपको सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक से एक वीडियो इस चैनल पे आपको देखने में मिलेगी, सब्सक्राइब चैनल को करे बिना बिल्कुल मत जाना। और गाइस बाकी बहुत अपने सब्सक्राइबरों के मतलब डाउट क्लियर करना चाह रहा था कि भाई बहुत बंदों को ये कनेक्शन समझ नहीं आ रहे थे, इसलिए ये वीडियो लेके आया हूँ। और प्लस इसमें हेडलाइट का नया रिव्यू दिया है मैंने। तो गाइस बाकी आगे प्यार दो, अपने भाई को सपोर्ट करो, एक से एक वीडियोज़ आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। और गाइस बाकी यही कहूँगा कि दिल से शुक्रिया, प्यार पिछली वीडियोज़ में बहुत मिल रहा है और ऐसे ही बनाए रखो। और बाकी मिलते हैं कुछ अगली नई वीडियो में नए कंटेंट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।